दोस्तों, मेगास्टार प्रभास के बर्थडे पे उनकी बहुत सारी मूवीज की अनाउंसमेंट भी हुई है और कुछ मूवी की अपडेट्स भी आई है, जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उनकी मच अवेटेड और बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड मूवी राजा साहब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजा साहब के पहले भी कुछ पोस्टर्स आए हैं, अपडेट आई है, लेकिन अभी जो फाइनली उनके बर्थडे पे पोस्टर आया है वो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है और क्रिएटिव लग रहा है और थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, क्योंकि इस बार वो एक थ्रोन के ऊपर बैठे, मतलब सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, उनका एक ओल्ड सा लुक बताया है और वो सिगार पी रहे हैं। और ये मूवी कहीं ना कहीं हॉरर कॉमेडी मूवी बताई जा रही है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ सस्पेंस और थ्रिल भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पोस्टर से बहुत सी चीजें हमको नजर आती है कि कुछ ना कुछ ऐसा हिडन फैक्ट इसके अंदर होना है। मोशन पोस्टर काफी हद तक एक इंस्पिरेशन लगता है अक्षय कुमार की आने वाली मूवी भूत बंगला से, लेकिन हो सकता है ये सिमिलैरिटीज उसके जो कॉन्सेप्ट है उसका टॉपिक उसको लेकर ऐसा लगता हो हमको, लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है बहुत कुछ। ये थोड़ा बहुत जब टीजर ट्रेलर आएगा तब हमको पता चलेगा। तो ओवरऑल पोस्टर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वहीं दूसरी ओर हम बात करें तो इनकी जो अभी नेटफ्लिक्स पे धमाकेदार जो धमाका मचा रही है मूवी सलार, मतलब जो थिएटर में भी बहुत ही धमाका मचाया था, उसका फाइनली पार्ट टू की भी शूटिंग शुरू हो चुकी है। पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ प्रभास ने शूटिंग शुरू कर दी है उनके सलार पार्ट टू की, तो बहुत ही जल्दी वो मूवी भी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन मुझे लगता है 2026 तक आपको मूवी या 25 के एंड में देखने को मिलेगी, क्योंकि 2025 में अप्रैल को राजा साहब मूवी की अनाउंसमेंट बता दी है, रिलीज डेट बता दी है, तो हो सकता है कि आपको सलार 2 2026 में या 25 के एंड में देखने को मिले। वहीं हम बात करते हैं एक और मूवी की, एनिमल के डायरेक्टर यानी संदीप रेड्डी वांगा, उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है उनकी स्पिरिट मूवी की। एक पोस्टर उन्होंने शेयर किया है, उसमें उन्होंने लिखा है हैप्पी बर्थडे रिबेल स्टार और लिखा है ऊपर रेड कलर में स्पिरिट। इससे पता चलता है कि उन्होंने स्पिरिट मूवी के भी ऊपर काम शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी वो भी फ्लोर पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई है प्रभास की मूविंग लिस्ट से रिलेटेड, और उनको बर्थडे पे सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि उनका बर्थडे है, और दोस्तों वो और भी ज्यादा सक्सेसफुल मूवीज करें और उनकी मूवी ब्लॉकबस्टर रहे, यही हम प्रे करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, प्रभास की जो आने वाली मूवीज है वो और भी ज्यादा तगड़ी होने वाली है, बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, एक से बढ़कर एक, और वो हमेशा नई नई मूवी की वैरायटी ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सेम फील्ड में रहते हैं, एक्शन एक्शन में कुछ ना कुछ डिफरेंट वो ट्राई करते रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है जेफ मीडिया, और मेरा नाम है अभिषेक, आपका दोस्त। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।